Hello friends, this is Priyanka and welcome to my simple saral kitchen. आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है कच्चे आम के पन्ने का स्क्वैश। तो क्योंकि ये समर सीजन है और समर्स में कच्चे आम का पन्ना बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो हम अपने इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कच्चा आम, जिसे मैंने छील करके काट लिया है। ये लगभग 250 ग्राम है और मैंने ये वाला देसी आम यूज़ किया है। तो ये मैंने 6 आम लिए हैं। इसके अलावा ये पुदीने का पत्ता है और इसे मैंने तोड़ करके धुल करके अच्छे से क्लीन करके रख लिया है। और इसके अलावा हमने लेना है शुगर, ये 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है। जीरे का पाउडर है, ये मैंने घर में बनाया है, इसे तवे पर भून करके और पीस लिया है। ये भी करीब 1 चम्मच है, 1 बड़े चम्मच। ये काला नमक है, ये भी मैंने 1 बड़े चम्मच ले लिया है। और ये सादा नमक है जो कि मैंने 1.5 चम्मच लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है ये नींबू, और ये ऑप्शनल है। अगर आपका आम का पन्ना खट्टा नहीं होता है तो आप नींबू का यूज़ कीजिए, और अगर खट्टा होता है अच्छा तो फिर इसे मत यूज़ कीजिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। मैंने इस बाउल में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसे पानी को बॉईल होने देना है और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि ये जल्दी से पक जाएंगे। और इसमें हमें ये आम का, चलो ये भी मैंने आम कट करके रखा है, ये हम पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। एक बार इसे चला देंगे और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे करीब 5 मिनट के लिए। 5 मिनट तक हमें इसे बॉईल होने देना है। मैं इसे ढक देती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ये बॉईल भी हो गया है। हम इसे बंद कर देते हैं। हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेते हैं जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो हम इसका सिर्फ पल्प निकाल लेते हैं प्लेट में और इसे हम ठंडा कर लेते हैं। 2-3 मिनट में ये अगर पंखे के नीचे रख देते तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा ये। फ्रेंड्स, हमारा ये पल्प अभी ठंडा हो गया है तो अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर लेकर के, पल्प हमारा मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं। इसे हमें अच्छे तरीके से पूरा ठंडा कर लेना है। और ये जो हमारा पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हमें यूज़ करना है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और ये पुदीने का पत्ता, ये भी हम डाल देंगे ग्राइंडर में। ये जीरा पाउडर, काला नमक, ये सादा नमक और ये चीनी, थोड़ा सा इसमें और पानी डाल लेती हूँ। और अभी हम इसे ग्राइंड करेंगे अच्छे से। मैंने मेरा ये पल्प इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और अभी मैं इसमें एक नींबू का रस डालने वाली हूँ, थोड़ा सा इसे और भी टैंगी बनाने के लिए। पूरा एक नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और किसी भी एक बॉटल में भर के, तो हम इस पल्प को बॉटल में भर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है
मैंने इसे अच्छे से बॉटल में भर लिया है। अब हमें बार बार अभी से बनाने की जरूरत नहीं है, हमें जब भी मन करेगा दिन में 3 बार या 4 बार, जब भी मन करे कि हमें आम का पन्ना पीना है, तो ग्लास में बस थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे। आप देखिए, बस मैंने ये थोड़ी सी क्वांटिटी ली है, इतनी क्वांटिटी, और थोड़ा सा ठंडा पानी। और इसे बस मिक्स किया, बस एक थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल करके, और मैं इसे एक पुदीने के पत्ते के साथ में इसे सर्व कर दूंगी। तो ये बन गया हमारा आम का पन्ना। तो इस समर्स में एंजॉय कीजिए इस आम के पन्ने का। थैंक यू। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।